क्रिकेट खिलाड़ी ब्रेटली ने कहा कि दुनिया भर में बहरेपन की समस्या बढ़ती ही जा रही है। मेरा मानना है कि जिंदगी की आवाजें सुनने का अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का बिना आवाजें सुने रहना बहुत दुखदायक है। इस समस्या को सुलझाने के लिए यूनिवर्सल न्यू बॉर्न हेयरिंग स्क्रीनिंग काफी मददगार साबित हो रहा है। बाल चिकित्सा विशेषज्ञ और IMA जैसे संस्थान बहरेपन की समस्या पर इलाजों के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हर पेरेंट्स को इसके प्रति जागरूक होना होगा और समय पर बीमारी को पहचान कर उसका इलाज भी करवाना होगा। आज भारत समेत हर शहर में इस प्रकार की बीमारी का इलाज संभव है। ब्रेटली बुधवार को होटल नूर महल में यूनिवर्सल न्यू बॉर्न हायरिंग स्क्रीनिंग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मीडिया से बातचीत में ब्रेटली ने इस संस्थान से जुड़ने के बारे में बताया कि एक बार उनके बेटे को हादसे के कारण सुनने में दिक्कत हो गई थी। हालांकि समय पर चेक और डॉक्टरों की मदद से वह पूरी तरह से ठीक हो गया था, लेकिन इस दौरान हमें कई तकलीफें उठानी पड़ी। बस यहीं से वे गूंगे बहरे बच्चों के लिए काम करने लगे। इस दौरान उन्होंने सुनने की क्षमता में समस्या से पीड़ित बच्चों की जांच और इलाज के बारे में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि USA, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और UK जैसे देशों में UNSH का काफी प्रसार हो चुका है, लेकिन भारत में अभी भी नवजात शिशुओं के लिए जांच कार्यक्रम नहीं बना है। दुनिया भर में बहरेपन की समस्या से पीड़ित 466 मिलियन लोगों में से 34 मिलियन बच्चे हैं। सभी नवजात शिशुओं की सुनने की क्षमता की जांच जन्म के समय ही की जाए, यह सुनिश्चित करना UNSH का उद्देश्य है। डॉक्टर संजय खन्ना ने बताया कि हरियाणा में 11 लाख से ज्यादा लोग बहरेपन की किसी ना किसी समस्या से पीड़ित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसे रोकने के लिए हरियाणा में यूनिवर्सल न्यू बॉर्न हेयरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम की तुरंत जरूरत है। न्यूनेटल मतलब न्यूबॉर्न, हेयरिंग मतलब सुनना, स्क्रीनिंग मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट, जिससे पता लग सके कि ये बच्चा सुनने की क्षमता में पास है कि फेल है। तो हम लोग ने ये प्रोग्राम रखा है कि इससे हम लोग को जितनी जल्दी पता लग जाए कि बच्चे में सुनने की कमी, कुछ ही महीने में पता कर सकते हैं, दूसरे दिन पैदा होते ही पता कर सकते हैं, और उसका जितना जल्दी इलाज करेंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में इलाज हो, उसका जितनी जल्दी इलाज करेंगे, उसकी स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो बोली है, जैसे क ख ग ABCD बोलना है, सो वो डेवलप हो सके, और वो ऐसा ना हो हम उस बच्चे को मिस कर जाएं जिसको सुनता नहीं, और वो एक गूंगे बहरे स्कूल में पहुंच जाए, डेफ स्कूल जिसको हम लोग कहते हैं, और वहां पे वो साइन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दे। फिर एक टाइम पे आएगा कि वो साइन लैंग्वेज पे ही चलता रहेगा और वो सुनने बोलने से वंचित रह जाएगा। दूसरी चीज जो मेंशन करनी है, अमित राय स्टैंड फॉर सिट वेरी प्राउडली एज द ग्लोबल हियरिंग एंबेसडर फॉर कॉक्लियर, which I love my role. I love what I get the opportunity to do. Firstly, to raise awareness about hearing loss and about how we can assist young, certainly young children. Cochlear can fix all ages, but obviously we're focused on the pediatrics, focused on the children, because I believe that's the future. The reason why I got involved with Cochlear, a number of reasons. It's a wonderful Australian company with a great vision, and they're helping people across the world. I guess secondly too, it's close to my heart because my son had a fall, he had an accident, and he damaged hearing in his right ear. So he had a fractured skull and subsequently lost his hearing in his right ear. Now, hearing loss, it does not go through different, it doesn't pick who it wants to pick on. In other words, it transcends all cultures. So it doesn't matter what eye colour, hair colour, skin colour, hearing loss is hearing loss, and it's across the world. Now we know there's 460 million people across the world that suffer some form of hearing loss. We know that there's 34 million of those are children. The good news that Australia can lead from the front is that every single child that's born in Australia has the universal newborn hearing test done. In other words, they get screened when they're born. So if there's a problem, we can deal with the problem. In India, unfortunately, not every single child born has a hearing test. Down at Kerala, it's been outstanding. Kerala's been really, really good. And other parts of India have been outstanding too. There's some hospitals across India, we've seen in Delhi,
that do 100% screening. So what my mission, what my aim is, that every single child born has that hearing test. JBD Banquets laaye hain Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.